हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-45 मिनट का, समटाइम्स 50 मिनट भी हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं दोस्तों इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, पीआईबी, पीआरएस, ये सारे दोस्तों सोर्सेज है जो कि हम लोग कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे और शेयर है दोस्तों जो कि जरूर करते होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है 5th of May, तो 5th of May के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके नॉलेज के लिए या फिर आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बढ़िया सेशन होने वाला है, 40-45 मिनट का सेशन होगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा मिलता हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जाम है दोस्तों जो कि हम लोग कवर करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 70-80% करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज, जो अपनी क्लासेस में जो हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना टॉपिक के बारे में, वही आपको पेपर में जो है क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने कल आपको दिए थे, उसके बाद देखते हैं आज के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर, उसके बाद में आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन में से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस फॉर द डे की बात करूं तो कल के जो सवाल थे उसमें से पहला सवाल था कि SBI ने दोस्तों कितने पैसे हैं जो कि डोनेट करे हैं COVID-19 पेंडेमिक में, ये मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 71 करोड़, आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये 3rd of May को जो है वो मनाया जाता है। 142 भारत की रैंक है, मालूम है ना। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर दोस्तों USA के द्वारा दोस्तों पब्लिश करी गई है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द शिफ्ट ऑफ अर्थ एक्सेस, भारत की जो अर्थ की जो एक्सेस है वो शिफ्ट किस कारण की वजह से हो रही है, वो पोल्यूशन की वजह से हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे और एक्सेस थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, आगे सवाल था जो कि था ADB को लेकर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 68 कंट्रीज इसके मेंबर है और 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है 30+ गवर्नमेंट जॉब में से, चाहे आपका IIT का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई नीट का एग्जाम हो, कोई कैट का एग्जाम हो या कोई गेट का एग्जाम हो, IIT से लेकर 10th क्लास, 11th क्लास, SSC बैंक, UPSC, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। प्लस में दोस्तों आपसे रेफरल कोड पूछेगा तो आपको यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 है जो कि आपको लगा के देना है, या फिर भुवनेश 10 भी आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पे मिल जाएगी। अगर मुझसे अगर आपको GK पढ़नी है तो फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरा SSC की कैटेगरी में, जहां पे मैं कंप्लीट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक GK, ये सब आपको कवर करवा रहा हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का लेने पर 2 मंथ का आपको फ्री मिलेगा। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि यहाँ पे सोनू के द्वारा भेजा गया है। अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड है और आप किसी से बात करने का व्यवहार नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे सोनू ने बोली है। अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री तो बहुत सारी होती है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विथ ए गर्ल या फिर किसी भी और अपने एल्डर के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में। लोगों को बिहेवियर जो है ना, इसकी क्लास भी होनी बहुत जरूरी होती है, मुझे लगता है ऐसा। गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप सच में अच्छे पढ़े लिखे, अगर आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको अच्छी जो है चीजें सिखाई गई है, तो आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है ना वो आपके बिहेवियर से पता लगती है। आपके घर में आपको क्या सिखाया गया है, आप कैसे स्कूल में पढ़े हैं, कैसे टीचर से पढ़े हैं, आपने कैसे शिक्षा ली है, ये सारी चीजें कभी भी किसी डिग्री, मार्कशीट या किसी की परसेंटेज से पता नहीं लगती है, ये आपके व्यवहार से पता लगती है। तो हमेशा गाइज कोशिश क्या करो, आप मुझे मालूम है 10 बार में से आप 3 बार गलती करोगे, किसी से गलत व्यवहार करोगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने उस चीज को सोचा, बाद में समझा कि नहीं समझा कि आप उस चीज को अवॉइड कर सकते थे, आप उस जो आपने व्यवहार किया है उसको लेकर आप किसी को सॉरी बोल सकते हो, या फिर आपने जो किया है वो ऐसा क्यों किया है। अपने आप में दोस्तों इंप्रूवमेंट लाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गौतम बुद्ध हूं, मैंने कभी किसी को जो है वो चिल्ला के नहीं बोला। अरे भाई, राहुल द्रविड़ भी कई बार गुस्सा हुए हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी भी गुस्सा हुए हैं, लेकिन जरूरी होता है कि आपकी जो है इंटेंसिटी कितनी है,
ओके और साथ में आपने जब गुस्सा किया है तो उससे कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप गुस्सा करते हो तो खुद ही का सबसे पहले नुकसान है जो कि कराते हो। तो ये चीजें जो है वो सीखना बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत काम आएगी, आपकी पूरी लाइफ जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आज के दैनदू की तरफ। आज के दैनदू की बात करें तो सबसे बड़ी न्यूज, सबसे पहले आप सभी को मालूम चल गया होगा, कल शाम में आप लोगों को आईपीएल देखने को नहीं मिला होगा, है ना, रिपीटेड मैच देखने को मिला होगा। ओके और आप लोगों के काफी लोगों के जो है वो दिल टूट गया होगा, होपफुली टूट गया हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों का काम नहीं है आईपीएल देखने का प्लीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीएल 14 जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट टाइम के लिए, क्योंकि जो बबल बनाया गया था कोरोना ने उसको ब्रीच कर दिया है। कई सारे प्लेयर जैसे कि रिद्धिमान शाह हो गए, अमित जो स्पिनर है वो हो गए, इसके अलावा माइक हस्सी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे प्लेयर है जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उसकी वजह से पूरी आईपीएल को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा डिसीजन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है, प्लेयर्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, तो काफी जल्दी डिसीजन लिया गया और काफी सही लिया गया, हालांकि वैसे करवाना नहीं चाहिए था आईपीएल इस पेंडेमिक के अंदर। ओके तो यहाँ पे नियर बाय 2000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस है जो कि बीसीसीआई को हुआ है, लेकिन ये लॉस जो है लोगों की लाइफ से बहुत ही कम है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे पीएम ने जो है बंगाल के गवर्नर को फोन किया, यहाँ पे जेपी नड्डा भी पहुंच गए, और क्योंकि यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस है जो कि कई जगह पे देखने को मिल रही है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है ऐसा बोला जा रहा है कि कई लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही है, जैसे कि ऐसा एलिगेशन लगाया गया बीजेपी सीपीआईएम और कांग्रेस के द्वारा कि टीएमसी के वर्कर ने जो है उन पर अटैक किया है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन से जो एड आ रही है, 17 साल बाद दोस्तों हमने फॉरेन देशों से मदद के लिए जो है वो हेल्प को एक्सेप्ट किया है, और कई सारी फॉरेन एड है जो कि आई है, उनको 38 इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल के जो इंस्टीट्यूशन है ना उनको आगे फॉरवर्ड है जो कि करी गई है। ओके यहां पे दोस्तों 5G के बारे में बात किया गया, इसके बारे में बताएंगे कि गवर्नमेंट ने 5G ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है और कोई भी चाइनीज इसके अंदर नहीं है, अच्छी बात है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जेईई मेंस जो है वो पोस्टपोन हो गया दोस्तों, और यूपी के पंचायत के इलेक्शन हुए, यहाँ पे आपको मालूम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं है पंचायत के इलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे एसपी बोल रही है हम जीत गए, बीजेपी बोल रही है हम जीत गए। ठीक है लेकिन यहाँ पे अयोध्या में बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, बीजेपी जो उनका गढ़ माना जाता है अयोध्या, वहां पे बहुत बड़ा लॉस है जो कि पंचायत के पोल के अंदर हुआ है, कोई 40 में से मेरे ख्याल से 5-7 सीटें ये जो कि मिली है ना, ऐसे न्यूज के अंदर आया, बाकी आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, वो यूपी के लोग आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैक्सिको सिटी का बताया गया, मैक्सिको सिटी के अंदर एक रेलवे ट्रैक था वो कलेप्स हो गया, आपस में भिड़ गए है ना, तो वो यहाँ पे बताया गया काफी लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे वापस से दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई और बोला है कि सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेंप्ट, या तो आप ऑक्सीजन जो दिल्ली को दी गई है उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दो, या आप कंटेंप्ट है वो झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सेंटर गवर्नमेंट को, और अभी हाईकोर्ट भी जो है दिल्ली सेंटर गवर्नमेंट को बोल रहा है कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को देनी जानी थी उतनी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों सीरियसली इसको नहीं लिया जा रहा है, तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो कि जरूरी है वो ये वाली न्यूज जरूरी है, 5G ट्रायल के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्यूजडे को दोस्तों परमिशन दे दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, टीएसपी जिसको बोलते हैं, ताकि वो कंडक्ट करवा सके दोस्तों यूज और एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी बात यही कि पूरी दुनिया में जो सबसे आगे चल रही थी कंपनी जो कि काम कर रही थी है ना, वो हवाई कंपनी आपको मालूम है दोस्तों दुनिया में बहुत काम कर रही थी, और गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद में और अमेरिका के अंदर भी हवाई के जो सीईओ थे उसको भी हटा दिया गया था, पूरी दुनिया में जो है हवाई के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे थे, तो हमने भी जो है उनको हटा दिया। तो इस वाले अच्छी बात यह इसके अंदर कि कोई भी चाइनीज बड़ी कंपनी हवाई या ZTE जो है वो इस ट्रायल के अंदर नहीं है, किसी भी इंडियन कंपनी ने उनके साथ में कोलैबोरेशन नहीं किया है, अच्छी बात है। ओके, इसके अंदर दोस्तों भारतीय एयरटेल है, जियो है, MTNL, ओके ये वोडाफोन आइडिया, ये सारी कंपनी जो है वो बाहर की जैसे कि नोकिया हो गई, सैमसंग हो गई, सी डॉट हो गई, इनके साथ में कोलैबोरेशन करके इंडिया में सेटअप है जो कि कर रही है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो रहा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसने किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो जियो ने दोस्तों यहाँ पे सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन के साथ में किया है, और जियो खुद का भी जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा लोकली, है ना, लोकली भी डेवलप करेगा ताकि किसी के और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, इनिशियली इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो इनकी हेल्प लेगा। उसी तरह प्रकार से वोडाफोन आइडिया जो कि अभी भी कंपटीशन में बचा हुआ है, नोकिया और एरिक्सन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल दोस्तों नोकिया एरिक्सन MTNL ने सी डॉट के साथ, और BSNL दोस्तों अभी 5G ट्रायल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेचारी हमारी BSNL जो सरकारी कंपनी है वो पीछे रह गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों 4G से 10 गुना ज्यादा डाउनलोडिंग स्पीड है जो कि 5G की होती है।
सैंड, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी भी जो है वो ग्रेटर है, 3 times बेटर इफिशियंसी जो कि स्पेक्ट्रम की देखने को मिलती है, और बहुत सारी फील्ड के अंदर दोस्तों आपको बेनिफिट है जो कि 5G से मिलता है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं 5G के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको चाहे कोई प्रीलिम्स हो चाहे कोई मेंस एग्जाम हो, 5G के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि पेपर में पूछेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। एक बच्चा CHSL के एग्जाम के बारे में पूछ रहा है कि करंट अफेयर उसमें अपडेट होगा क्या। देखो गाइज, हमारे यहाँ पे एग्जाम पेपर एक बार बन जाए ना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो CHSL का एग्जाम ऑलरेडी जो पेपर है वो बन चुका है, तो करंट अफेयर उसमें अपडेट नहीं होगा। आपका जो एग्जाम जैसा पेपर मार्च में आने वाला था वैसा ही पेपर आएगा आपके 3 महीने 2 महीने बाद में भी, तो करंट अफेयर उसमें अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। हाँ, CGL का जो एग्जाम है उसमें अभी का करंट अफेयर जरूर आएगा। इवन तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं उसके ऊपर फोकस ना करें, डेली सुबह 8 बजे वाला सेशन करो, नोट्स बनाओ, अच्छी हेडलाइंस और जो 2-4 पॉइंट होते हैं वो कॉपी के अंदर लिखो, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज के बाद में बुक्स खरीदने की। चलिए तो फीचर की बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वेव स्पेक्ट्रम की बात करें तो 30 से 300 GHz की वेव स्पेक्ट्रम के ऊपर दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बहुत ही हाई स्पीड के अंदर दोस्तों भेजा जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और आसपास का जो इंटरफेरेंस है ना वो बहुत ही मिनिमम है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। ओके, जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है वो भी लेटेस्ट अपग्रेड किया जाता है मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंदर, LTE नेटवर्क बोलते हैं जिसको। इसकी इंटरनेट स्पीड की बात करें तो अगर आइडल कंडीशन की बात करें, आपको मालूम है ना आइडल कंडीशन का मतलब है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्लोज एरिया में जब ट्रायल किए जाते हैं तो 20 GBPS तक की स्पीड इसके अंदर आती है, 20 GB/s, मतलब आप 5 मूवी 1 सेकंड के अंदर, 5 नहीं 10 मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि रियल जब कंडीशन होती है प्रैक्टिकल कंडीशन में इतनी स्पीड नहीं मिल पाती है, ठीक है, क्योंकि बोलने में तो 4G आपके मोबाइल में चलता है, 1 GBPS आती क्या स्पीड, 4G की 1 GBPS बोलते हैं ट्रायल स्पीड, लेकिन वो उतनी नहीं मिलती है, 1/10 करके चलो आप इसकी, समझ गए, 1/10 करोगे तभी भी इसकी काफी बढ़िया स्पीड है। ओके चलिए, ठीक है, इसमें 3 बैंड के ऊपर ये मेनली काम करता है, एक तो लो मिड और एक हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के ऊपर है जो कि ये काम करता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना वैसे वैसे उसका एरिया जो है वो श्रिंक होता चलता है, ठीक है। तो लो बैंड स्पेक्ट्रम है, मीडियम है और हाई बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर हाईएस्ट स्पीड है दोस्तों जो कि आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो कवरेज होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया का हो जाएगा। ओके चलिए, ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है 5G टेक्नोलॉजी को, अभी तक 5G टेक्नोलॉजी आ क्यों नहीं पाई, क्योंकि इसके ऊपर ट्रायल तो बाकी देशों में भी काफी टाइम से चल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जियो को भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा, इसीलिए अभी वो जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, नोकिया एरिक्सन के ऊपर काम कर रहा है, हालांकि ओवर द टाइम जो है वो रिलायंस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसमें फंडामेंटल चेंज है जो कि आपकी कोर आर्किटेक्चर के अंदर करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है गाइज, ये 5G टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम मेजर क्या है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाते ज्यादा, इसीलिए आपको ज्यादा जो है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करके नियर बाय चीजें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन कस्टमर, आपके मोबाइल फोन जो अभी काम कर रहे हैं 4G वाले वो 5G पे काम नहीं करेंगे, तो आपको एडिशनल दोस्तों नए मोबाइल फोन लेने पड़ेंगे अगर आपको 5G के ऊपर स्विच होना है। तो कैपिटल इनएडिक्वेसी की बात करें, ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी जो है उनके पास में भी दोस्तों कैश की अभी काफी प्रॉब्लम चल रही है, आपको मालूम है। ओके, तो 5G स्पेक्ट्रम इसकी वजह से भी काफी डिले हो गया है, तो ये मेजर हर्डल्स है दोस्तों जो कि 5G टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिले। अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी बहुत ही जबरदस्त है। ओके, एक तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आगे बढ़ जाएगा, आपके होता है ना घर के अंदर आपने डिवाइसेस लगा रखे हैं मोबाइल के ऊपर, दबाया सारे बंद हो गए चालू हो गए घर के अंदर, कभी आप किसी 5-star होटल में गए हो ना तो वहां पे क्या होता है कि आपके बेड के पास में कई सारे एक पैड होता है, एक आईपैड, उसी से आप सारे घर के जो रूम्स है ना उसकी बिजली को सारे लाइट्स को टीवी को सब कुछ जो है मॉनिटर कर सकते हो, चला सकते हो, बंद कर सकते हो। ओके, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी इजीली हो जाएगी, मतलब लोगों के घरों में भी आ जाएगी। क्लाउड के ऊपर कंप्यूटिंग काफी आसान, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये सारी चीजें 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर जो है ये काफी बड़ा रोल है जो कि प्ले करेगी। 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें ही है जो मैंने बात बताई ना, ये सारी इसका 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही है ना। सबसे पहला US में आया, फिर चाइना में आया, फिर टोक्यो में आया, अब चौथा वाला बोलते हैं कि इंडिया जो है उसका सेंटर बनेगा, मुंबई उसका सेंटर बनेगा। इंडिया की मैं बात करूं गाइज,
तो हमारे यहाँ पे मेजरली मोबाइल बैंकिंग और हेल्थ केयर के अंदर दोस्तों काफी चीजें बदलती हुई है जो कि देखने को मिलेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि देखने को मिलेगी अगर वो 5G टेक्नोलॉजी के बराबर अपने स्किल को जो है वो लेके चले जाते हैं। ठीक है गाइज, अब हमारे यहाँ पे पॉलिसी की बात करें गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे एक इंडिया की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के अंदर है दोस्तों जो कि बनाई गई थी, जिसके अंदर हाईलाइट किया गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ओके, कि 5G आने वाले टाइम पे किस तरीके से चीजों को बदल सकता है। स्टार्टअप कम्युनिटी हो गई, आपके डिजिटल एंगेजमेंट हो गया, इन सब के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज है जो कि देखने को मिलेगी। ओके, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं गाइज, तो यूएस की 50 सिटीज में 5G जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, साउथ कोरिया ने भी दोस्तों 85 सिटीज में स्टार्ट कर दिया है। चाइना और जापान अभी ये दोनों दोस्तों एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और ठीक है ट्रायल बेसिस के ऊपर अभी वहां पे चल रहा है। तो ये दुनिया का भी फिनोमेना आप देख सकते हैं। 1980 के अंदर पहली बार 1G आया था जिसमें एनालॉग फोन हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पे मोबाइल फोन इतने बड़े बड़े आया करते थे और फोन उठाने के भी पैसे लगा करते थे, है ना, और किसी के पास मोबाइल फोन था तो वो पता नहीं कोई मतलब देश के जो बड़े बड़े लोग थे ना, टाइकून लोग, उन्हीं के पास मोबाइल फोन हुआ करता था। 1990 आया, एनालॉग से डिजिटल वॉइस आया, बहुत ही लो स्पीड के ऊपर दोस्तों जो है वॉइस कॉल और सब कुछ टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो स्टार्ट हुए, है ना, 2G के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये समझ गए। उस टाइम पे आपके पास में नोकिया मोटोरोला उस टाइम पे लीड किया करता था पूरी दुनिया में। मोटोरोला जो मोबाइल फोन है वो पूरी दुनिया में लीड किया करता था और छोटे छोटे से मैसेजेस जो है वो जाया करते थे, उसके भी पैसे लगा करते थे, बहुत ज्यादा पैसे लगा करते थे। फिर 3G आया, हमने तो देखा है दोस्तों इस जमाने से मोबाइल ब्रॉडबैंड ब्लूटूथ वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आपने देखी होगी, वो 2G वाले टाइम की बात है। ब्लूटूथ जो है वो 2G का, एक्चुअली हम लोग जो है वो 10 साल पीछे चलते हैं। ये जो डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है ना, हमारे कंट्री के अंदर ये सब चीजें आपको आफ्टर 10 ईयर्स देखने को मिली है। जैसे कि 3G हमारे 2010-2012 के टाइम पे नॉर्मली अवेलेबल होने लगा, 4G 2020 के आसपास देखने को मिला नॉर्मली, है ना, जियो आया 2017-18 के अंदर तब देखने को मिला इस तरीके से। ओके, तो 3G आया, मोबाइल ब्रॉडबैंड आया, हाई स्पीड डेटा आ गया, 4G जो है 2010 में रोल आउट हुआ और अभी 5G 2020 के लिए बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारे यहाँ पे काफी कम रहा है। वैसे मेरे को लगता है कि 5-6 ईयर का गैप रहेगा दोनों के बीच में, बाकी यहाँ पे काफी 10-10 साल का गैप है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ लगा के इंफ्रारेड के थ्रू, है ना, इंफ्रारेड के ब्लूटूथ भी क्या, ब्लूटूथ तो बहुत बाद में आया, उससे पहले तो इंफ्रारेड के थ्रू दो मोबाइल को ऐसे ज्वाइन करवा के, दोनों को किस करवा के जो है वो गाने ट्रांसफर किए जाते थे। ठीक है, देखा होगा आपने, मतलब 1100 मोबाइल था वो, बहुत जबरदस्त था। नोकिया का 6600 तो ये था कि बहुत ही कोई बहुत ही अमीर आदमी के पास मिलेगा, मतलब लोग मोबाइल देखने के लिए मांग लिया करते थे, मतलब। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग दिल्ली को लेकर बात करने वाले हैं। दिल्ली को लेकर दोस्तों सीएम जो है वहां के केजरीवाल जी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है और केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो फ्री राशन है जो कि 72 लाख राशन जो कार्ड होल्डर्स है उनको कैपिटल में आने वाले 2 महीने के लिए फ्री मिलेगा। ओके, इसके अलावा 5,000 रुपए दोस्तों दिए जा रहे हैं पर मंथ। ओके, 1.5 लाख जो ऑटो और जो टैक्सी ड्राइवर है उन लोगों को। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पे दोस्तों 2 महीने के लिए अनाउंसमेंट है जो कि किया गया, क्योंकि नियर बाय 2 महीने का लॉकडाउन है जो कि दिल्ली में नियर बाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा तो ऐसा और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं दिल्ली के बारे में, आप देख सकते हैं दोस्तों कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ 1911 में, यूनियन टेरिटरी बना 56 में, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना 1992 के अंदर। 11 डिस्ट्रिक्ट है, अनिल बैजाल जी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अभी इनको भी कोविड हो गया है, केजरीवाल जी सीएम, डिप्टी मनीष सिसोदिया जी, 70 यहाँ पे विधानसभा की सीटें, 3 राज्यसभा और 7 लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलती है। पॉपुलेशन बहुत ही खतरनाक है, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन आपको यूटी पे देखने को मिलेगी, अगर आप पूरा मेट्रो मिला लो तो 2.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, समझ गए। चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है और GDP काफी जबरदस्त है, पर कैपिटल इनकम भी 3.5 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर है। ओके, सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, 868 पर 1000। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो 86 इंडियन को श्रीलंकन वाटर में पकड़ लिया गया। मछुआरे कई बार क्या होता है कि उनको पता नहीं होता, आगे निकल जाते हैं तो वो वापस से लौटाए गए। उसके बाद में हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पूरे पेज पे, हम लोग बात करेंगे जगमोहन जी की। ठीक है, इस जगमोहन जी के बारे में डिस्कशन करेंगे
तो जगमोहन मल्होत्रा जी दोस्तों 1927 में इनका जन्म हुआ था, गांधी जी के साथ में इन्होंने काफी पार्टिसिपेशन किया है, और 2021 कल के दिन दोस्तों इनकी मृत्यु है, जो कि ये गवर्नर रह चुके थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, गोवा के गवर्नर रहे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जो टाइम था 90s का, उस टाइम पे दोस्तों ये गवर्नर है जो कि जम्मू कश्मीर के रहे थे। उस टाइम पे कश्मीरी पंडित को बचाने में भी इनका रोल रहा, और वो जो लार्ज माइग्रेशन हुआ उसको नहीं रोकने के अंदर भी इन्हीं का, मतलब नहीं रोकने के अंदर जो फेलियर था वो भी इन्हीं के माथे आया था। तो दोनों ही चीजें इन्हीं के पास थी। ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड से इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबके कार्यकाल में इन्होंने दोस्तों काम है जो कि किया है। ओके गाइज, गोवा, दमन एंड दीहू, ओके, वहां के भी LG है जो कि ये रह चुके थे। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी दोस्तों 2016 में इनको नवाजा गया था। ठीक है गाइज, ओके, ठीक है, और ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और इन्होंने खुद की एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था माई फ्रोजन टर्बुलेंस, स्टोनी आइज, ये किताब भी दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, काफी टफ गवर्नर है जो कि ये माने जाते थे। ओके गाइज, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 की बात करें गाइज, तो यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, जो कि है गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी दोस्तों, इनकी भी मृत्यु हो गई, कल्याणम जी, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कल कंगना का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पता नहीं थोड़ी साइको है, मतलब थोड़ी पूरी साइको है, कुछ भी कमेंट करेगी, कुछ भी बोलेगी, जितना बेचारे अमित शाह जी को बुरा लगा होगा बीजेपी का लॉस का, उससे ज्यादा इनको बुरा लगा है। पता नहीं वाई सिक्योरिटी बढ़िया मिली हुई है, बढ़िया चिल करे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ पे वी कल्याणम जी को लेकर, ये दोस्तों लास्ट पर्सनल सेक्रेटरी है दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी के हुआ करते थे। कल 99 की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। ओके गाइज, ही वॉज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ महात्मा गांधी सेक्रेटरीट, महात्मा गांधी की टीम के लास्ट मेंबर है दोस्तों जो कि ये थे, ये ओके कल्याणम जी। ठीक है, गांधी जी की वैल्यूज के ऊपर पूरी लाइफ है जो कि इन्होंने बिताई। इनके पर्सनल सेक्रेटरी के अलावा आपको मालूम होगा दोस्तों, जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो भी पर्सनल सेक्रेटरी रही। महादेव देसाई जी का बहुत बड़ा रोल रहा, 1942 में जो है महादेव देसाई जी की मृत्यु हुई थी। ओके, उससे पहले महात्मा गांधी जी की जो वाइफ है उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में महादेव देसाई जी की मृत्यु हुई। महादेव देसाई जी दोस्तों एक काफी बड़े फॉलोअर और काफी लॉन्ग टाइम तक महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी जो कि रहे थे। महादेव देसाई जी ने जो माई एक्सपेरिमेंट जो किताब है उसको इंग्लिश से गुजराती के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन किया था। इसके अलावा बी खुदाई खिदमतगार, ये किताब है जो कि अपने खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके भाई थे खान अब्दुल जफ्फार खान, उन दोनों की भाई की स्टोरी जो है वो भी उनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो काफी काम है जो कि महादेव देसाई जी के द्वारा करे गए थे। तो उसी कैटेगरी के अंदर दोस्तों पर्सनल सेक्रेटरी है जो कि कल्याणम जी रहे थे। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, 97 की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 पे दोस्तों, यहां पे हम लोग बात करें तो हमारे लिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, FDA जो USA का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है अभी एडोलेसेंट को भी वैक्सीनेशन करने को लेकर, यानी कि जो 12 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन नेक्स्ट वीक से अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बात करेंगे दोस्तों राफेल को लेकर। ठीक है, चलिए ठीक है, और यहाँ पे एक और छोटी सी न्यूज है, बिल और मिलिंडा गेट्स से 27 साल के बाद में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, बहुत बड़ी बात यार, इतने साल के बाद में बुढ़ापे में। एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। तो इजिप्ट की मिलिट्री ने दोस्तों 30 राफेल जेट जो ऑर्डर है जो कि फ्रांस के डिफेंस कंपनी डसॉल्ट एविएशन से किए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। ओके, 2015 के अंदर भी 24 राफेल जेट है दोस्तों जो कि इन्होंने परचेज किए थे। ठीक है गाइस, तो 10 ईयर का लोन है जो कि इन्होंने लिया है उसके लिए, और इजिप्ट जो है वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर है दोस्तों, जो कि इंडिया और सऊदी के बाद में, सऊदी और इंडिया के बाद में बन चुका है। इजिप्ट भी काफी हथियार है जो कि खरीद रहा है, सिप्री के हिसाब से 136% दोस्तों लास्ट डेकेड से ज्यादा परचेज है जो कि इजिप्ट ने करे, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन सभी से दोस्तों ये हथियार है जो कि इजिप्ट खरीद रहा है। अगर मैं बात करूं राफेल के बारे में, तो ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, अभी अंबाला का जो अपनी बेस है वहां पे इसको लाया गया है। ठीक है गाइस,
तो अभी 5 राफेल जेट का फर्स्ट बैच है जो कि अभी आया था अंबाला एयरबेस के अंदर और डेसॉल्ट के द्वारा बनाया गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2 to 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि इसको माना जाता है और नियर बाय 24,000 केजी का वेट है दोस्तों जो कि इसका माना जाता है और 3700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं। ओके, लोड कितना उठा सकता है, ये लोड उठाने की कैपेबिलिटी है 9,500 केजी के आसपास लोड बेरिंग कैपेसिटी है जो कि इसको देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए बहुत फेमस है, इंटरसेप्शन करने के लिए बहुत फेमस है ओके राफेल, ठीक है गाइस। तो 2001 के अंदर पहली बार दोस्तों राफेल जो है वो बनाए गए थे और डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो कि फ्रांस की एयरफोर्स के लिए और दुनिया के कई सारे नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए दोस्तों ये धीरे धीरे जो है लोग परचेज करने लगे। इंडिया ने भी दोस्तों 59,000 करोड़ का दोस्तों डील है जो कि 2016 में 36 राफेल जेट है दोस्तों जो कि लेने को लेकर करे गए थे। ओके गाइज, उससे पहले तो 126 की बात थी लेकिन फिर बाद में इसको 36 कर दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, पेज नंबर 16 दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे जो कि सेल्बी को लेकर है दोस्तों, गोल्फ के जबरदस्त स्नूकर के बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्क सेल्बी, ओके, इन्होंने दोस्तों 4th जो वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट है टाइटल है दोस्तों जो कि जीत लिया है, ठीक है गाइज। तो ब्रिटिश प्लेयर है, इंग्लैंड के बहुत जबरदस्त प्लेयर है जो कि स्नूकर के माने जाते हैं। स्नूकर मालूम है ना, बिलियर्ड्स को बोलते हैं। तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी और वहां पे इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इसके अलावा दुनिया में 6 बार दोस्तों दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, आप देख सकते हैं बंगाल में 14 लोगों की मृत्यु हुई। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, वही दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन को लेकर बोला है कि डू यू लिव इन आइवरी टावर, आइवरी टावर का मतलब है कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है या फिर आप बहुत ही ज्यादा सेफ है, आपको लोगों की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आईपीएल के बारे में बोला गया है, उड़ीसा के बारे में बताया गया है। चलिए, तो यहाँ पे एक न्यूज ये वाली है एसएनपी को लेकर। एसएनपी जो डाउ जोन्स है, इन्होंने लॉन्च किया है क्रिप्टो इंडेक्सेस। जैसे कि आपको मालूम है हमारे यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी प्रकार से एसएनपी का भी खुद का डाउ जोन्स इंडेक्स है। और इस बार इन्होंने क्या किया है, जो क्रिप्टो करेंसीज है ना उसका इंडेक्स है जो कि जारी किया है। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे तो क्या क्रिप्टो करेंसीज बैन है, आरबीआई के द्वारा बैन किया गया है, लेकिन दुनिया में काफी फेमस हो रही है। बिटकॉइन आप सभी को मालूम ही है, 44 लाख रुपीज का एक बिटकॉइन, कहां पे मतलब 2-2 लाख रुपए में भी नहीं था एक बार के। तो ये एक तरीके से ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है तो बहुत धड़ल्ले से गिरता है। तो एसएनपी जो डाउ जोन्स इंडेक्स है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स है जो कि यहां पे लॉन्च किया है ताकि डिजिटल करेंसीज के कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, पूरा दोस्तों यहां पे जो है ये इसका एल्गोरिथम है जो कि रखेंगे। बिटकॉइन और इथेरियम ये दो बहुत ही फेमस दोस्तों आज के टाइम पे चल रही है, ठीक है गाइज। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे तो आपको बताइएगा कि एसएनपी कंपनी है दोस्तों जो उसने ये अनाउंसमेंट है जो कि किया है। एसएनपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। तो इनका एसएनपी ग्लोबल कंपनी है, उसी का जॉइंट वेंचर है। 1882 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों और वॉल स्ट्रीट के ऊपर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डाउ एडवर्ड जोन्स, इन दोनों ने अपने नाम से दोस्तों डाउ एंड जोन्स है जो कि बनाया है, ठीक है गाइस। एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर है। आगे बात करते हैं मोदी जी और जॉनसन, बोरिस जॉनसन के बीच में दोस्तों अभी वर्चुअल मीटिंग हुई है। दोनों के बीच में जो है कई सारे एग्रीमेंट है जो कि किए गए, जिसके अंदर यूके ने अनाउंस किया है कि ये 1 बिलियन पाउंड दोस्तों ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है जो कि करेगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं इंडिया और यूके ने ट्यूजडे को 10 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप 2030 है जो कि लॉन्च किया है। कॉम्प्रिहेंसिव एक रोड मैप है जो कि लॉन्च किया है 2030 इंडिया और यूके ने वर्चुअल मीटिंग के ऊपर, जिसमें गाइस बोला गया है कि ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। देखिए यूके को भी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है और यूके भी खुद के जो पर्सनल टाइज है उनको इंप्रूव करने के लिए, ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए अभी बाकी देशों के साथ में काम कर रहा है। ओके, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है टेक्नोलॉजी के अंदर, साथ में इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी दोस्तों आने वाले टाइम पे काम करेंगे, वो भी यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है गाइस। एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप ओके ईटीपी है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी तो ईटीपी लॉन्च किया गया है, एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप। आने वाले टाइम पे दोस्तों इसी को हो सकता है कि ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे भी कर ले, क्योंकि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से करने पे ज्यादा लॉस नहीं है।
समझ गए, बल्कि हम लोग ज्यादा ही एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम होगा, चाइना एशियन कंट्रीज इनके साथ में हमारा बहुत ज्यादा लॉस है। ओके गाइज, चलिए ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे अगर बात करें तो और भी कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा यूके का मैप है, आप देख सकते हैं, लंदन है, कार्डिफ है, वेल्स है ना। जब मैं बात करता हूँ लंदन इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ये वाला पोर्शन है। जब मैं बोलता हूँ ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, समझ गए। जब मैं बोलता हूँ यूके, तो यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये तो हो गया पूरा ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया, प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड ये वाला एरिया, तो इसको पूरा क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। चलिए स्कॉटलैंड की बोलते हैं कैपिटल एडिनबर्ग को, यूके इंग्लैंड की या लंदन है, वेल्स की यहाँ पे कार्डिफ मानी जाती है। ये नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल है, ओके, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है दोस्तों, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ये इंग्लैंड के जस्ट बाजू के अंदर क्या है, नॉर्थ सी है, ठीक है गाइस, ये नॉर्थ सी है। डेनमार्क जो है वो बाल्टिक सी और आपके नॉर्थ सी के बीच में है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, जैसे कि ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, दोनों के बीच में क्या है, डेनमार्क है, दिख रहा है आपको यहां पे, ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, दोनों के बीच में क्या है, डेनमार्क है, ठीक है, समझ गए। चलिए बाकी ये देखिए, नीचे जर्मनी आ गया, ये एम्स्टरडम है ना, नीदरलैंड के कैपिटल, उसके नीचे बेल्जियम, उसके नीचे फ्रांस, उसके नीचे फिर आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पेन आ जाएगा, फिर पोर्चुगल आ जाएगा बाजू के अंदर, इस तरीके से, ठीक है गाइज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और यूके के ट्रेड डील को लेकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एफडीआई इन्वेस्टर जो है वो यूके वैसे काफी बेहतर है इंडिया का। अगर हम लोग बात करें दोस्तों मॉरिशस सिंगापुर के बाद में, ठीक है, तो यूके जो है वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, G20 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो। और 2019-20 के अंदर दोस्तों $15 बिलियन का दोस्तों दोनों के बीच में ट्रेड है जो कि हुआ था, हालांकि उससे पहले 17 के आसपास का था, 19-20 में थोड़ा सा कम हो गया था। इसके अंदर जो मेजरली है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करवाते हैं, तो फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, टॉयज, इन सब को लेकर हमारा काफी एंगेजमेंट है दोस्तों, जो कि होता है। हम लोग यूके से क्या चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विप्रो को लेकर। अजीज प्रेम जी, आप सभी को मालूम है, तो वो लोग क्या करने वाले हैं, 16 मिलियन दोस्तों पाउंड है जो कि इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशन सेंटर के अंदर लंदन में, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु हेडक्वार्टर कंपनी ने दोस्तों 16 मिलियन पाउंड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने वाले 4 सालों के लिए बोला है। एक इनोवेशन सेंटर है दोस्तों जो कि वो यहां पे बनाएंगे, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टिकटॉक को लेकर। टिकटॉक आप सभी को मालूम है गाइस, एक वक्त पे हमारे पूरे देश में जीना आराम कर दिया था बच्चों का, मतलब क्या क्या वीडियो आने लग गए थे यार। तो टिकटॉक ने दोस्तों जो बाइट डांस जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके नए सीईओ अपॉइंट करे गए, शोजी चू, ओके गाइस, ठीक है। तो टिकटॉक द पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप ने दोस्तों बाइट डांस के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ओके, शोजी, उनको नए सीईओ के तौर पर दोस्तों अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है गाइस। काफी बड़ी कंपनी है, मतलब दुनिया के काफी देशों में ऑपरेट होती है, यूएसए, इंडिया, यहां से दोस्तों इनको टाटा बाय बाय है जो कि कर दिया गया था, ओके गाइज। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं बाइट डांस के बारे में, ओके, मतलब जब इस जब ये टिकटॉक बनाया गया था ना, तब उसके जो इसका जो फाउंडर था, उसने ये बात बोली थी कि दुनिया में जो बिल्कुल फ्री लोग है ना, उनके लिए टिकटॉक बनाया गया है, और बाद में पता लगा सबसे ज्यादा फ्री हमारे इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का 1/3 रेवेन्यू है दोस्तों जो कि टिकटॉक इंडिया से कर रहा था, मतलब गोली की स्पीड से, मतलब टिकटॉक इंडिया के अंदर बढ़ा। अब तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स नाम से जो स्टार्ट किया ना, वो टिकटॉक ही तो है, उसकी आदत मत लगाना यार प्लीज, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप टिकटॉकर बन जाओगे। जो यूट्यूब के अंदर यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब भी कोई ऐसा बेवकूफ कंपनी तो है नहीं, उसको दिख गया कि इंडिया के अंदर जो ये शॉर्ट्स, जो टिकटॉक टाइप की जो चीजें होती है ना, जो शॉर्ट 10 सेकंड 20 सेकंड की जो होती है, ये इंडिया में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो YouTube ने क्या किया, शॉर्ट्स नाम से स्टार्ट किया। अभी अगर आप YouTube खोलोगे ना, तो आपको 2-3 वीडियो के नीचे आपको ऐसा दिखेगा YouTube शॉर्ट्स नाम से, तो वो TikTok ही तो है, वो और क्या है, उसके अंदर 10-10 20 सेकंड के वीडियोस आप नीचे करते जाओगे, देखते जाओगे, है ना, बस आपको नाम दूसरा दे दिया, बाकी चीज वही है, और आपको आदत भी वैसी लगी होगी, आप उसको कई बार नीचे देखते रहते होंगे। प्लीज प्लीज इन सब चीजों से अवॉइड करो, इन सब चीजों को मत देखा करो, ठीक है। आपको वही वाली बात है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही तो बात है, ठीक है। मैंने आपको, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आता, तो मैंने आपको एक मूवी भी सजेस्ट करी थी एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है, देख लेना वो भी एक बार यार, नाम भूल गया मैं, बहुत अच्छी मूवी थी सोशल मीडिया के ऊपर, देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं बाइट डांस की। बात करें तो जैंग है दोस्तों जो कि इसके फाउंडर थे, और ठीक है, चेयरमैन और सीईओ जैंग है। इसके अलावा तो खैर आप देखो उसका रेवेन्यू यार,
$37 बिलियन का रेवेन्यू है जो कि ये लोग करते हैं। ठीक है, मूवी का नाम एक बार सजेस्ट कर देना जो अगर आपने देखी है। सोशल नेटवर्क तो फेसबुक के ऊपर थी वो, तो सोशल डिलेमा, बिल्कुल हाँ याद आ गया, सोशल डिलेमा नाम की थी, देखना। खैर मैं आपको हजार बातों की एक बार बता रहा हूं कि आपको यूज नहीं करना है, इवन तो अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि भाई नहीं क्यों होता है क्या होता है, तो फिर एक बार देख लेना, आपको थोड़ी चीजें स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें, पश्चिम बंगाल के अंदर भड़की हिंसा, 12 लोगों की मौत हो गई, और IPL है, JEE एग्जाम, ये कंगना रन आउट है। ठीक है, और बिल गेट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो हमारे देश में 3.5 लाख केसेस है दोस्तों जो कि बताए गए हैं। और यहाँ पे एक न्यूज है जो कि है लायन को भी दोस्तों कोविड है जो कि हो गया है। तो आपको मालूम है दुनिया के कई देशों के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है कि कोविड के केसेस एनिमल के अंदर देखने को मिले हैं, कई सारे डॉग में, अमेरिका के अंदर भी एक लायन के ऊपर देखने को मिले थे। अभी इंडिया में भी दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में जो प्राणी उद्यान में 8 एशियन जो एशियाटिक लायन है ना, उनको दोस्तों COVID-19 है जो कि पॉजिटिव पाया गया है। पूरी तरीके से उनको अलग रख दिया गया है, उनकी जो स्थिति है उसमें काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट है जो कि देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पूरी तरीके से टेस्टिंग कर दी गई है। ओके चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों Uranium-214 को लेकर। Uranium-235 के बारे में आपने सुना होगा, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो 235 है जो कि आपके काम आता है, समझ गए। तो 235 के बारे में काफी बार सुना होगा, लेकिन यूरेनियम की जो लाइटेस्ट फॉर्म है Uranium-214 है दोस्तों, जिसकी डिस्कवरी है जो कि रिसेंटली करी गई है। ओके, साइंटिस्ट ने दोस्तों रिसेंटली क्रिएट किया लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम जिसका नाम है Uranium-214। ओके गाइस, अल्फा पार्टिकल है मतलब जो कि इसमें से रिलीज होते हैं, जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल का रिलीज है जो कि देखने को मिलता है। ओके गाइस, और यहां पे आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने Uranium-235 के बारे में काफी सुना होगा। यूरेनियम ये वाला जो आइसोटोप है, ओके, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा है प्रोटॉन से, ओके, और काफी ज्यादा लाइट है मतलब बाकी अगर यूरेनियम से बात की जाए तो चाइना के अंदर दोस्तों इसका रिसर्च है जो कि किया गया है। Uranium-238 भी होता है दोस्तों, जिसकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जितनी अर्थ की लाइफ है ना 4.5 बिलियन ईयर, उतनी ही लाइफ Uranium-238 की मानी जाती है, समझ गए। तो ये दोनों तीनों चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये अभी दोस्तों क्या हो गया है कि आने वाले टाइम पे आपको मालूम है ग्रीन इकोनॉमी फ्लोरिश करने वाली है। अगर आपके पास में कोई लैंड है, कोई जमीन है, तो उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करो, उसको ज्यादा ज्यादा जो है ग्रीन बनाने की कोशिश करो। आपके लैंड की जो वैल्यू है, आपके जो एरिया की वैल्यू है ना, आपकी वहां पे अगर ग्रीनरी अगर प्रोड्यूस हो गई है तो आप उससे हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटा मोटा उगा सकते हो, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। ये चीजें आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा जो है बड़ा बिजनेस बनने वाली है। इसी के तर्ज के ऊपर जो हमारी बैंकिंग सिस्टम, हमारी जो कंपनीज है ना इंडियन कंपनीज, उनको भी दोस्तों क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीनिंग करने की जरूरत है। इसी को लेकर दोस्तों RBI ने रिसेंटली एक नेटवर्क है जो कि ज्वाइन किया है, ठीक है, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काम कर सके। ओके, क्लाइमेट को कैसे मेंटेन रखना है, इसका बहुत बड़ा रोल कंपनीज के ऊपर भी है। तो ये कंपनी क्या होती है कि क्लाइमेट के पैरामीटर को फॉलो नहीं करती है, तो काफी ज्यादा ग्रीन हाउस इमिशन देखने को मिलता है, तो उसी को फॉलो करवाने के लिए दोस्तों बोला गया है RBI के द्वारा। RBI ने एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि सेंट्रल बैंक और सुपरविजरी अथॉरिटीज का दोस्तों यहां पे ज्वाइन किया है, जो कि एडवोकेट करते हैं सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम को। ओके गाइज, ठीक है, तो पेरिस 1 प्लैनेट समिट के अंदर December 2017 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था, फ्रांस के अंदर इसको होस्ट किया गया था, क्लाइमेट फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग जो है वो करी जाती है PPP मॉडल के ऊपर, ताकि आप जो भी काम करो वो क्लाइमेट को लेकर सस्टेनेबल हो। कोई भी कंपनी काम करे तो वो सस्टेनेबल काम करे, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना वो तभी आएगी तब आप क्लाइमेट का ध्यान रखोगे। अभी क्या हुआ कि हमने पहले पैसा कमाने के चक्कर में पूरी अर्थ ने क्या किया, पूरे क्लाइमेट की रेल बना दी। अब पता चल रहा है कि यार क्लाइमेट को अगर मेंटेन करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कि देखने को मिलेगी, समझ गए। हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट को लेकर ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हम इसको लेकर अवेयर नहीं है, समझ गए।
तो एक बहुत बड़ा फिजिकल रिस्क और ट्रांजेक्शन रिस्क है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको मैंने पहले बताया था कि 10 लाख मौत तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, तो जान जा रही है तो फाइनेंशियल लॉस भी होगा, पर्सनल लॉस भी होगा, फिजिकल लॉस भी होगा, ओके, प्रोडक्टिविटी लॉस भी होगा। आप देख सकते हैं 2050 तक वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हमारे जीडीपी के अंदर हम लोग क्लाइमेट की वजह से $1100 बिलियन का लॉस करने वाले हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लॉस। ओके, आप एक ये समझिए कि एक रिलायंस 5-10 रिलायंस कंपनी के बराबर इतना बड़ा लॉस है, मतलब जो कि हम लोग खाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है शक्ति फाउंडेशन, उन्होंने भी बताया था कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 100 कंपनीज है ना, ओके, वो बिल्कुल भी दोस्तों क्लाइमेट चेंज के डिस्क्लोज के अंदर लैग कर रही है। ओके, बिल्कुल भी रेलिवेंट एक्सपर्टाइज उनके पास में क्लाइमेट को लेकर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिम्सन के सोलर प्रोजेक्ट को लेकर। क्रिम्सन का जो ये सोलर प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, ये पता है कहां पर है? डेजर्ट के अंदर लगा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों काफी क्लाइमेट को लेकर काम कर रही है, तो $550 मिलियन के अप्रूवल है दोस्तों, जो कि क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट का दोस्तों यूएसए ने अप्रूवल दे दिया है। 2000 एकड़ के डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर ये प्रोजेक्ट है जो कि सेटअप किया जा रहा है, जिससे नियर बाय 80,000 घरों को बिजली मिलेगी और यहाँ पे ठीक है 1,000 के आसपास जॉब्स है दोस्तों जो कि क्रिएट करी जाएगी। 350 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टेनिक फैसिलिटी है जो कि यहाँ पे लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं यूएसए ने प्रपोज किया है कि हम $100 बिलियन दोस्तों इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने के लिए दोस्तों इन्वेस्ट है जो कि करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा 2050 तक नेट जीरो इमिशन का टारगेट है जो कि यूएसए ने रखा है। कैलिफोर्निया डेजर्ट आपको मालूम है, कैलिफोर्निया कहां पर है? यूएसए के जो वेस्टर्न पॉइंट है, जो वेस्टर्न साइड है ना यूएसए की, वहां पर दोस्तों कैलिफोर्निया है। वहीं पर ही आपको डेथ वैली देखने को मिलती है, वहीं पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कोलोराडो डेजर्ट, मोज़ेक डेजर्ट और एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये तीन बड़े डेजर्ट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ग्रेट बेसिन के अंदर कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, कोलोराडो दोस्तों कैलिफोर्नियन डेजर्ट के नाम से फेमस है। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फॉल्ट भी है, गार्लॉक और सेंट एंड्रेस फॉल्ट, जो खड्डे होते हैं ना वो भी यहाँ पे कैलिफोर्निया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा यूएसए का मैप है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे फिलाडेल्फिया न्यू जर्सी है, इसके अलावा ये फ्लोरिडा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बता रहा हूँ, ये आपका हॉस्टन है, डेलाज टेक्सास के अंदर आते हैं ये सब। इसके अलावा ये रहा कैलिफोर्निया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लॉस एंजलिस है इसी में, सैन डियागो भी इसी के अंदर है। ओके, ये सैन फ्रांसिस्को है, ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ओके, सैन डियागो, ये सब कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ही आते हैं। ओके चलिए ठीक है, ये नोएडा वाला एरिया है, यहाँ पे काफी डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे इसके पास में लास वेगास है। ठीक है, अगर किसी को वॉशिंगटन से लास वेगास जाना है तो पूरा अमेरिका जो है वो पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएसए के बारे में। आपको मालूम है वॉशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, ऑफिशियल यहाँ पे लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और नियर बाय 32 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। जीडीपी आप देख सकते हैं $20 ट्रिलियन के आसपास है, यूएस डॉलर है जो कि यहाँ पे चलता है। ठीक है गाइज, इंडिपेंडेंस इनको 1776 में मिल गई थी और वॉशिंगटन और कॉर्नविल्स के बीच में लड़ाई होती, कॉर्नविल्स वही है जिसने हमारे यहाँ पे इंडिया में आके वहां पे तो हार गया था, फिर उसको इंडिया भेजा गया कॉर्नविल्स को, फिर हमारे यहाँ पे आके उसने आईसीएस और ये सब स्टार्ट किया था। ओके, 1920 के अंदर 19th अमेंडमेंट हुआ और 1964 के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन जो कि वियतनाम के अंदर इन्होंने किया था। ओके गाइस, सोलर के बारे में आपको मालूम है, सोलर एनर्जी ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इसको कन्वर्ट करती है, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में जाती है, फिर वहां से आपके डिवाइसेस के अंदर जो कि ये जाती है। और भी कई सारे आपको मालूम है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज है, जियो थर्मल, विंड, सोलर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, ये सब सोलर एनर्जी, ये सब फोर्स अलग अलग सोर्सेज। आगे बात करते हैं पुटेला नाच को लेकर। अभी रिसेंटली आसाम के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, एक आर्ट फॉर्म होती है ये, जिसमें गुड्डे गुड़िया है ना, ये पपेट के तौर पे पुटेला नाच बोलते हैं इसको। तो इससे हमने दोस्तों क्या हुआ था, COVID-19 के अवेयरनेस के मैसेजेस है दोस्तों जो कि दिए गए थे सोशल मीडिया पे, ऐसे वीडियोस जो कि डाले गए जिसके द्वारा पपेट के डांस के द्वारा दोस्तों अवेयरनेस जो कि करी गई थी, समझ गए। तो आसाम के एक ट्रस्ट ने दोस्तों ये स्टार्ट किया था, तो काफी फेमस हुए थे, तो ये वीडियो जो है वो यूनिसेफ ने प्रोड्यूस करे थे। ओके, और ठीक है गाइस, इसके अंदर चीजों के बारे में बताया गया था कि एनिमी क्या है, शत्रु क्या है, कंफ्यूजन के बारे में, मतलब वीडियो के द्वारा मैसेजेस है जो कि यहाँ पे दिए गए थे। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछेंगे कि जो पुटेला नाच है वो कहाँ का ट्रेडिशनल पपेट डांस है, तो ये असम का ही है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ट्रेडिशनल स्ट्रिंग से पपेट को थिएटर के अंदर दोस्तों परफॉर्म है जो कि असम के अंदर किया जाता है। ओके, राजस्थान के अंदर भी पहले काफी हुआ करता था, अभी तो खैर बंद हो गया, तब मैं छोटा था तब मैंने कई बार देखा है, ऐसे कई लोग आया करते थे जो कि ऐसे डांसेस हुआ करते थे, है ना। टेरिकोटा से इनके हेड है जो कि बनाए जाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ढोल हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सब परफॉर्म किए जाते थे। ओके चलिए, ठीक है गाइस, आगे बात करें असम की, तो आप सभी को मालूम है दिसपुर कैपिटल है, गुवाहाटी सबसे बड़ी सिटी है, 33 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, और सर्बानंद सोनोवाल जी वापस से यहाँ पे सीएम बनने वाले हैं। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन होपफुली इन्हीं के लीडरशिप में वापस से पार्टी आई है तो यही बन सकते हैं। जगदीश मुखी गवर्नर है, 126 विधानसभा, 7 राज्यसभा, 14 लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेगी। बिहू डांस बहुत ही फेमस है, वन हॉर्न राइनो दोस्तों मैंबल स्टेट का। ओके, वुड डक यहाँ पे, बर्ड है, फ्लावर यहाँ पे रुडेसा है, असम टी बहुत फेमस है, रिवर ब्रह्मपुत्र। आज के दिन के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो काउंसिल ऑफ यूरोप का फॉर्मेशन है जो कि आज के दिन 1949 के अंदर हुआ था। 49 कंट्रीज है जो कि साथ आए थे यूरोपियन काउंसिल बनाने को लेकर। ओके, और इसके अलावा ये वाला तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मई को दोस्तों वर्ल्ड लाफ्टर डे भी दोस्तों मनाया जाता है, है ना, एक्चुअली के अंदर मई का फर्स्ट संडे को मनाते हैं। ओके चलिए, गुरु जो अपने अमरदास जी थे उनका जन्म हुआ था दोस्तों 5 मई 1479 को, है ना, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। और 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स, ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट, चीफ एडिटर, राइटर और सोशल वर्कर का दोस्तों जर्मनी के अंदर है जो कि इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल, बहुत ही मोटी किताब है, मैंने मंगवा ली थी यार इसको पढ़ने के लिए, ठीक है आपको दिखाता हूं, मतलब काफी टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में। हालांकि अभी इसी को मैं रिसेंटली जो है वो इसी को पढ़ रहा हूँ, दास कैपिटल है, काफी मोटी किताब है लेकिन बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप दो किताबें जरूर पढ़िएगा, एक तो ये दास कैपिटल है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाया अभी मैं, थोड़ी कर पाया हूँ लेकिन काफी मोटी है तो एक महीना लग जाएगा उसको कवर करने में मुझे लग रहा है, और एक एडम स्मिथ की किताब है ना, दोनों कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के बारे में आपको काफी अच्छे व्यू पॉइंट है जो कि मिलेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है दोस्तों वो 1918 को जर्मनी के अंदर जो कि हुआ था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि मुझे आप लोगों से करना है गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हम चाहे करंट अफेयर हो, चाहे फिर आपके व्हाट्सएप हो, चाहे आपके कोई भी चाहे न्यूज चैनल हो, सब जगह पे दोस्तों नेगेटिव न्यूज जो कि आती है, जिसके अंदर COVID-19 से ये मर गए, उनकी डेथ हो गई, इतने लोगों की डेथ हो गई है। गाइज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप करंट अफेयर को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो भी आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, जो भी आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजो, वो हमेशा पॉजिटिव चीजें भेजने की कोशिश करो। मुझे मालूम है अक्सर लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं उन न्यूज को जिसके अंदर काफी लोगों की डेथ हो जाती है, उन चीजों को भी शेयर करना चालू करें जिससे लोग बचते हैं COVID-19 से। 90 की उम्र के अंदर, 100 साल की उम्र के अंदर भी लोगों ने कोविड को हराया है, तो ऐसे एग्जाम्पल जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो। अगर आप शेयर कर रहे हो तो नेगेटिव न्यूज को बिल्कुल भी शेयर मत करो, अपने तक रखो और कोशिश करो जो भी शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पे पॉजिटिव चीजें शेयर करो। समझ गए कि लोगों ने किस तरीके से कोविड ने फैमिली को हराया, किस तरीके से 90 साल के लोगों ने कोविड को हराया, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे साथ में, हमारे सामने आज के टाइम पे। तो इससे क्या होता है कि जो लोग कोविड जिनके हो रहा है ना उनको भी हिम्मत मिलती है। जब आप आसपास पूरी तरीके से नेगेटिव न्यूज सुनते हो तो आपको भी एक हिम्मत टूटती है कि क्या आप कोविड से सही हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, किस तरीके से हॉस्पिटल में लोग टूट के पड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, एक डीमोटिवेट करती है। और आपको मालूम है किसी भी डिजीज को हराने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपका मोटिवेशन होता है, आप उस लड़ाई से लड़ने के लिए कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, आपका इम्यून सिस्टम भी जो है थोड़ा बहुत उसी के अकॉर्डिंगली ट्रिगर करता है। समझ गए, तो थोड़ा पॉजिटिव चीजों को शेयर करो यार। मुझे मालूम है पेंडेमिक की कंडीशन है, कंडीशन बुरी है, पेपर नहीं हो पा रहा है, घर में हम लोग बंद है, ओके 24 घंटे नेगेटिव न्यूज है चारों तरफ आ रही है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों हम लोग ही है जो कि पॉजिटिव स्प्रेड कर सकते हैं। आप लोग देश के उन चंद लोगों में से हो, चंद समझदार लोगों में से हो जो कि रेगुलर अपडेटेड हो देश में दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छे तरीके से एक क्वालिटी एजुकेशन है जो कि ले रहे हो, तो अगर आप लोग प्रमोट नहीं करोगे तो यकीन मानिए हम डाउन द लाइन तो कभी भी ये मान नहीं सकते कि बाकी लोग जो है इन चीजों को शेयर करेंगे। समझ गए, तो प्लीज आप लोग इस चीजों को जरूर शेयर करिएगा, पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव वाइब जो कि तभी पॉजिटिव लाइफ है जो कि हमारी बनेगी। ठीक है गाइस, आज का देखते हैं फन फैक्ट की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में सबसे पोलाइट जो लोग माने जाते हैं ना, कभी आप नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां के लोग बहुत ही पोलाइट है, मतलब खुद की गलती पे भी सॉरी बोल देते हैं, ऐसे लोग हैं,
है ना, कभी आप रोड क्रॉस करोगे तो गाड़ी वाला बेचारा बहुत दूर जाके रुक जाएगा, बोलेगा प्लीज आप जाइए, मतलब बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं ना सॉरी बोलने के लिए, जो खुद की गलती पे भी चार बार सॉरी बोल देगा बंदा, वो कैनेडियन होते हैं। कैनेडियन बहुत पोलाइट है दोस्तों, जो कि माने जाते हैं बाय नेचर के अकॉर्डिंगली, और वो इतनी बार सॉरी बोलते हैं मतलब कि वहां पे सॉरी की वैल्यू ही खत्म हो गई है। तो फाइनली दोस्तों कैनेडा के अंदर एक अपोलॉजी एक्ट है जो कि लाया गया था, और ये बोला गया कि भाई आपका सॉरी जो है वो रिग्रेट या सिंपति नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा पोलाइटनेस की वजह से वो बार बार सॉरी बोलते रहते हैं किसी को भी समझिए। तो इसके वजह से वहां पे एक अपोलॉजी एक्ट है जो कि लाया गया था, मतलब तो कैनेडियन से सॉरी सो मच दैट अ लॉ वाज पास्ड सो दैट एन अपोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर आपको दोस्तों इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, 30+ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, चाहे आपका IIT हो, नीट हो, चाहे UPSC हो, चाहे आपका कोई गेट का एग्जाम हो, कोई कैट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे 8th क्लास से लेकर आपके UPSC तक का अनअकैडमी डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस के माध्यम से इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज से लेकर सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। रेफरल कोड आपसे पूछेगा तो आपको BHU10 है जो कि वहां पे लगाना है, BHU10 लगाते ही आपको 10% ऑफ है जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। आप BHU10 भी यूज कर सकते हैं SSC बैंक UPSC PCS किसी भी एग्जाम के अंदर। आपको सारे सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन ऑनलाइन के सब पढ़ाते हुए मिलेंगे, सबके कोर्स नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। साथ में अगर आपको SSC अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मेरा भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। मेरे अलावा आपको मैथ रीजनिंग इंडिया के भी टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री, 2 साल पे 4 मंथ का आपको फ्री है जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं 30+ बैचेस एवरी वीक जो है यहाँ पे चलते रहते हैं, सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, फिर अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, SSC की जगह आप अपना IIT, आपका जो भी नीट है, आपका गेट है, UPSC है, जो भी आपका गोल है मतलब, फिर अपना प्लस पे जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे, उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का आप ले सकते हैं। नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो BHU10 या BHU10 दोनों में से कुछ भी लगा के अप्लाई कर दीजिए, 10% का ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे कॉइन्स भी दोस्तों आप अपने यूज कर सकते हैं, 10 बजे मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास अगर आप देखते हो तो आपको कॉइन भी मिलते हैं, वो भी आप डिस्काउंट करवा सकते हो, EMI के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और SSC का तो मात्र 450 रुपए पर मंथ है, ठीक है गाइज। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, दिल्ली सरकार ने 2 महीने के लिए राज्य में प्रत्येक टैक्सी ऑटो चालक को कितनी राशि प्रदान करने का संकल्प लिया है। अगला है, अमेरिका ने अपने किस राज्यों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। पुटेला नाच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। वरुण चक्रवर्ती जो कि कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, किस IPL टीम से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे क्या कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं 10 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के अंदर, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।